जिले के भोपालगढ़ उपखंड के बिरानी गांव में है। शुक्रवार को विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के कर्मचारी एवं भजन गायक स्वर्गीय करण बिरानी की ही प्रथम पुण्यतिथि पर पेऊ का लोकार्पण महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर स्वयं नल से जल पीकर किया। स्वर्गीय करण के पिताजी बाबूलाल मेघवाल एवं भाई रामनिवास ने हैं उनकी याद में है गांव में भोपालगढ़ रोड पर एक भव्य पेऊ एवं विश्राम स्थली का निर्माण करवाकर करण की प्रथम पुण्यतिथि पर महामंडलेश्वर से ही लोकार्पण करवाया। आइए आपको बिरानी लिए चलते हैं, जहां पर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के संस्थापक स्वामी महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज मंत्रोच्चार के साथ पेऊ का लोकार्पण कर रहे हैं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् वसुदेव सुतम् देवम् वसुदेव सुतम् देवम् कंस चाणूर मर्दनम् कंस चाणूर मर्दनम् देवकी परमानंदम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ठीक सवा बार है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे बहुत झूठ बोलिए, राम जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। हमारे बीच में परम सौभाग्य नेपाल जी, नेपाल जी आप जोड़ रहे हो बढ़ने स्वस्ति न इंद्रो वंशवाहा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति न तारसो अरिष्टदेवी स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। बोलिए गौ माता की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जी जी एक मिनट आ रहा हूँ, मेरे को उधर अंदर। वहीं लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान व विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय करण बिरणी की ही प्रथम पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में 91 युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज ने किया। उन्होंने कहा कि रक्त जिंदगी का सबसे अनमोल रत्न है, एक बार दिया रक्त कई लोगों के चेहरे और जिंदगी में खुशी ला सकता है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसीलिए हमेशा समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान के लिए जोधपुर से महात्मा गांधी अस्पताल एवं उम्मेद अस्पताल की टीमें संग्रहण कर रही थी। रक्तदाताओं को महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज ने दुपट्टा मोमेंटो
एवं छल्ला देकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं रक्तदान शिविर में भोपाल गीता बरवड़ी बोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिरानी गांव में भजन गायक स्वर्गीय कर्ण बिरानी की ही प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर प्याऊ उद्घाटन एवं सत्संग कार्यक्रम में विधायक गीता बरवड़ ने शिरकत की। बरवड़ ने कहा, आपके द्वारा दिया गया एक यूनिट रक्त किसी की ही जिंदगी बचा सकती है, बहुत ही सराहनीय पहल है। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। आपके आशीर्वाद एवं जनमत से ही विधायक चुनी गई हूँ। हर समस्या के समाधान के लिए सदैव तैयार रहूँगी। रक्तदान शिविर में भोपालगढ़ पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जेपी देवड़ा, गणपत मेहरा, शेख नगर स्वर्गीय करण बिरानी के पिता बाबूलाल मेघवाल, राकेश सैन सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल करो दया निज दासती निसदिन दीन दया। बात शुरू करने से पहले मेरी कुछ तकलीफ है जो मैं बता देता हूं, क्योंकि फिर लोग आप समझे नहीं पूरी बात। विश्वविख्यात भगवान काल भैरव का मंदिर नागौर में बन रहा है, इसलिए मुझे अधिकतर गुफा के अंदर रहना पड़ता है, यानी कि धूप में नहीं आता हूं। और ब्लैक कलर की गाड़ी है कांच, तो सफेद टेंट होने से आंखों पर थोड़ा लोड पड़ रहा है। और 3 साल तक मैंने अखंड यज्ञ किया था, 2009, 10, 11 और 12 के अंदर। उस वजह से मेरी आंखें कुछ कमजोर है धूप के अंदर, इसलिए मैं आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ा चश्मा लगा लूं, नहीं तो आंखों में पानी आएगा, मैं सामने देखूंगा। तो आप कहें तो मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता, नहीं तो वो पानी आएगा, नहीं तो आप उल्टा समझेंगे फैशन से लगाया, फैशन का नहीं है ये, तो बिल्कुल सिंपल है। तो मैं चश्मा लगा देता ताकि मैं आराम से देख सकूं, नहीं तो आंखों में पानी आएगा ऐसे। हाँ, अब मैं आराम से प्रवचन दे सकता हूँ, क्योंकि 3 कारण मैंने बता दिए हैं। हमेशा ब्लैक गाड़ी में रहता हूँ, हमेशा अंदर रहता हूँ, बाहर कम निकलता हूँ। और दूसरा, 3 साल अखंड यज्ञ करने से मतलब क्या, आंखों को धूप के अंदर, हाँ अगर 1 घंटा लगातार बैठा रहूं तो फिर वो आंखें वापस बैलेंस बन जाती है। ऐसे से एक बार अपन उतरते हैं और तेज गर्मी होती है तो जुखाम बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे कम हो तो वो सामान्य वातावरण बन जाता है, क्योंकि ऊपर टेंट हुए सफेद होने से आंखों पर लोड पड़ रहा था। तो मैंने अपना कारण बताया, अब मैं अपनी बात रखता हूं। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के पूर्व वरिष्ठ इंचार्ज और प्रसिद्ध भजन गायक कर्णाराम बिरानी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। आप लोगों ने यहां उपस्थित होकर की जो सच्ची श्रद्धांजलि दी है, मैं बिरानी परिवार और विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की ओर से आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लोग कई आते हैं, कई जाते हैं, प्रति क्षण के अंदर कई लोग विश्व के अंदर जाते हैं और प्रति क्षण के अंदर कई लोग जन्म लेते हैं, लेकिन याद उन्हें ही किया जाता है जो जीते जी कुछ कार्य अच्छा करे और उनके बाद में भी उनका परिवार, या अगर कोई संत है तो उनके शिष्य उनका अमर नाम करते हैं। महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन पर्व के अंदर यह आया हुआ है, भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर 7 दान महादान बताए गए हैं, अन्नदान, जलदान, सुवर्ण दान, कन्यादान, भूमिदान, गोदान, इस तरह 7 दान है जो महादान की श्रेणी के अंदर आए हैं, जिसमें आज अभी मैंने
एक चेव का ठीक सवा बारह बजे मंत्रोच्चारण के द्वारा उद्घाटन किया। स्वयं मैंने पानी पिया, मुझे बहुत मतलब क्या है, आराम मिला। जलदान की महिमा के अंदर एक लाइन के अंदर यह मैं बात बताता हूं। देश में पिता में कहते हैं कि जो गर्मी के अंदर 3 महीने अपने ट्यूबवेल का अपने कुएं का पानी अगर लोगों को और गौ माता को अन्य पशुओं को पिलाते हैं तो 11 पीढ़ी का उनका पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। कितना? 11 पीढ़ी। लेकिन यह तो प्यू है, 3 महीने नहीं, अनेकों सालों तक एक प्यासा व्यक्ति इधर से निकलेगा, अपना गला तर करेगा और उसके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शास्त्रों का अध्ययन करते हुए स्वर्गीय कर्णाराम बिराणी उनको भी पुण्य मिलेगा और भगवान के चरणों में उनकी जगह रहेगी। दूसरा, बिराणी परिवार को भी आशीर्वाद मिलेगा कि जो गर्मी के अंदर 4 दिन अगर 5 दिन अन्न नहीं खाते हैं तो आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन भीषण गर्मी के अंदर अगर 24 घंटे पानी नहीं मिलता है तो पानी की कमी होकर के उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसलिए अन्न से भी बढ़कर जड़ को बताया गया है, ऐसा मीठा और ठंडा जड़, और सामने गर्मी का मौसम आ रहा है, यह ईश्वर की कृपा है जो परमपिता परमात्मा ने बिराणी परिवार को सद्बुद्धि दी और ये पावन पुनीत ये प्यो का और यात्री विश्राम स्थली का निर्माण किया। बिराणी परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें आप। साथ कुछ नहीं चलता है, जीव अकेले आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी ईश्वर के अंश हैं, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। पत्नी पुत्र माता पिता कुटुंबी भाई बहन रिश्तेदार समाज ये सब यहां रहेगा और ये शरीर भी यही रहेगा। पंच तत्व का शरीर यह ढांचा जो है, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व के अंदर विलीन हो जाएंगे। उस समय जीव के साथ में उसका किया हुआ अच्छा कर्म ही उसके साथ में जाता है, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो वह बुरे कर्म भी साथ में चलते हैं और उसे यम यातना भोगनी पड़ती है। किसी व्यक्ति के पीछे उसका परिवार, जैसे मान लीजिए मैं संत हूं तो मेरे शिष्य या भक्त मेरे पीछे कुछ अच्छा कार्य करेंगे, गौ सेवा, पक्षी सेवा, वृद्धाश्रम सेवा, परित कार्य करेंगे तो कुछ अंश मुझे भी उसका लाभ मिलेगा। उसी तरह है, इतना पावन पुनीत कार्य एक प्यो का निर्माण, मान लीजिए यहां अचानक मान लीजिए भीषण गर्मी है, प्यास लगी, उसे पानी की आवश्यकता होगी और पानी पिएगा, फिर उसे ये लगेगा तो कुछ क्षण 10 मिनट 15 मिनट में आराम करूं, छाया की भी व्यवस्था है। मैंने कई प्यो का भी निर्माण किया है। समाज जो जग जंगम तीरथ राज, राम भक्ति जाम सुरसरी धारा, सर सही चार प्रचारा। भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ के है मंच पर पहुंचने पर महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज ने है छल्ला पुस्तक एवं चांदी की ही मूर्ति भेंट कर स्वागत किया। वहीं पूर्व भोपालगढ़ सरपंच प्रतिनिधि ही जयप्रकाश देवड़ा का भी ही छल्ला तक भेंट कर स्वागत किया गया। स्वर्गीय करण के परिवार की ओर से ही विधायक का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। आइए आपको सुनाते हैं विधायक ने क्या कहा, आप भी सुनिए। करण जी की प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ विराजमान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी कुशालगिरी जी, आपके चरणों में मेरा नमन। सम्मानित मंच, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठजन और सामने विराजमान सभी मेरे
पिता तुल्य बुजुर्गण, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज इस आयोजन में बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। इसमें प्याऊ का उद्घाटन किया, प्याऊ बनाई गई और आज की तारीख में सब जगह ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सबसे ज्यादा परेशानी है और किसी को प्यासे को पानी पिलाना तो सबसे अच्छा काम है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया और आज साथ में रक्त दाताओं ने भी खूब रक्त दिया है। आज कहीं भी हॉस्पिटल में अपन जाए तो कोई भी बीमार होता है तो वहाँ पे ब्लड की जरूरत पड़ती है अपन को, तो साथ वाले आजकल दे भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज ये जो ये आयोजन होते हैं जगह जगह पे होते हैं, आज इन्होंने भी करवाया है तो अपन को कोई परेशानी नहीं होती, हाथों हाथ अपन को ब्लड मिल जाता और एक यूनिट ब्लड से एक आदमी की जिंदगी बचती है। इससे बड़ा तो पुण्य का काम क्या हो सकता है। आपका बहुत बहुत ही आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना अच्छा आयोजन किया आपने, हमें बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से जीता के MLA बनाया है, तो मेरी तरफ से जो भी कोई काम होगा आप मुझे कभी भी बताएं, मैं जरूर काम करूंगी और गांव के विकास में कभी कोई कमी नहीं रखूंगी। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या आपको जरूरत है और मुझे जो समझ में आएगा मैं पूरा करूंगी। धन्यवाद।